दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के फाइनल में पहुंचते ही अफ्रीका के खूंखार पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने धमकी देते हुए ऐसा बयान दिया है कि पूरे भारत में हड़कंप मचा कर रख दिया है। उनकी बातें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको करारा जवाब देने के लिए भारत के महानतम खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सामने आए और अपने तीखे शब्दों से डिविलियर्स की बोलती बंद कर दी, बल्कि अफ्रीका में भी मातम फैला दिया। तो आखिर घमंड में आकर डिविलियर्स ने क्यों भारत को दी खुली धमकी? कैसे धोनी ने अपने तीखे शब्दों से डिविलियर्स को लताड़ा? क्यों फाइनल मैच से पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच छिड़ गई जुबानी जंग? यह तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डिविलियर्स और धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए हर एक टीम को धूल चटाकर पहले सेमीफाइनल में जगह बनाई और फिर इसके बाद इंग्लैंड को बुरे तरीके से धोकर फाइनल में एंट्री मारी, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई एक बार फिर अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार जरूर भारतीय टीम वर्ल्ड कप के चैंपियन बनेगी, लेकिन टीम इंडिया को फाइनल में किसी ऐसी टीम का सामना नहीं करना है बल्कि सामने खड़ी है साउथ अफ्रीका। यह मुकाबला भी बेहद कांटे का होने वाला है और दोनों टीमें बहुत खतरनाक हैं। अब तक के सक्रमण से साउथ अफ्रीका ने भी इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन दिखाया है, हर टीमों से सामना किया और यहां तक का सफर तय किया, यानी कि टीम इंडिया के लिए फाइनल जीतना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें, भारतीय टीम 11 सालों के सूखे को खत्म करने के लिए इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया ने ICC टूर्नामेंट 11 साल पहले जीता, वहीं साउथ अफ्रीका तो पहली बार ICC ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती हैं, यानी यह मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है और हर कोई इस मुकाबले की बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुछ ही घंटे में T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें, भारत के फाइनल में पहुंचते ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को लेकर एक ऐसा जहर उगला है जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान बौखला गया है। एबी डिविलियर्स ने टीम इंडिया को खुली धमकी देते हुए हारने तक की बात कह दी है, जिसके बाद डिविलियर्स का बयान सुनकर भारत के सपोर्ट में उतर आए महेंद्र सिंह धोनी और फिर उन्होंने अपने तीखे शब्दों से डिविलियर्स को ऐसा धोया कि उनकी बोलती बंद हो गई और दोनों का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए, अब हम आपको इन दोनों के बीच हुई फाइनल से पहले की जुबानी जंग सुनाते हैं, कैसे धोनी ने डिविलियर्स को सिखाया सबक। जैसे ही भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में एंट्री मारी तो तुरंत अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी डिविलियर्स ने फाइनल में हारने की बात कहते हुए खुलेआम धमकी देते हुए कहा, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि अफ्रीका और भारत के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल हो। इस मुकाबले के लिए मैं काफी उत्सुक हूँ। हमारी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, यहाँ तक का सफर तय किया है। हम किसी भी हाल में इस बार फाइनल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे लिए यह ट्रॉफी बेहद ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी मुझे टीम इंडिया इस बार बहुत कमजोर नजर आ रही है। रोहित कोहली की जोड़ी किसी भी मैच में साथ नहीं दे रही है। हमारी टीम के हौसले बुलंद है और जिस तरह से हमने अफगानिस्तान को झूल चटाई थी उसी अंदाज में हम भारत को भी हराएंगे और उनके सपने को इस बार हम चूर चूर करने वाले हैं, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सभी खिलाड़ी पूरी तरह से फाइनल मैच के लिए तैयार हैं। डिविलियर्स का वह बयान सुनकर के महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें सबक सिखाते हुए अपने तीखे शब्दों से कहा, वाह क्या बात है, फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं अफ्रीका। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि भारतीय टीम भी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरेगी। जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को धोया, उस अंदाज में हम अफ्रीका की कुटाई कर उनके सपनों को चकनाचूर करेंगे। हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित अकेले टीम को मैच जिता रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय टीम इस बार जरूर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेगी। अफ्रीका को चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। डिविलियर्स मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, मैदान पर दिखाना भी पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसे प्रूव भी करना पड़ता है। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, बेस्ट ऑफ लक रोहित। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने तीखे शब्दों से डिविलियर्स की बोलती बंद कर दी, बल्कि उनके देश में तो मातम भी फैला दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बहुत मुश्किल है भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनना। भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल मैच से पहले ही सानिया मिर्जा ने बढ़ाई है टीम इंडिया की टेंशन। अब विश्व चैंपियन की भविष्यवाणी करते हुए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना चूर चूर कर दिया। सानिया के बयान ने मचा दी है पूरे हिंदुस्तान में खलबली। तो आखिर सानिया मिर्जा ने भारत नहीं बल्कि किस टीम को बताया है वर्ल्ड कप का चैंपियन? सानिया की भविष्यवाणी क्यों सोशल मीडिया पर हो रही है तेजी से वायरल? भविष्यवाणी करते हुए भारत के लिए क्या कुछ सानिया मिर्जा ने कहा, यह तो आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन जीतेगा, भारत या फिर अफ्रीका? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच कोईयान के मैदान पर खेला गया था। इस मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से बड़े अंतर से हराया और शान से तीसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब भारतीय टीम की अगली चुनौती फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली है। ये दोनों टीमें बारबाडोस में आमने सामने होंगी और भारतीय समय अनुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम 11 सालों का सूखा खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दरअसल टीम इंडिया तकरीबन 11 सालों से कोई ICC टूर्नामेंट जीतने में नाकाम रही है, वहीं साउथ अफ्रीका टीम के पास पहली बार ICC ट्रॉफी जीतने का मौका है। यानी कि इन दोनों टीमों के बीच यह फाइनल मुकाबला बेहद ही कांटे का देखने को मिल सकता है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस मैच के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में बड़ी संकल्प करने के बाद यहां तक का सफर तय किया है, वहीं टीम इंडिया ने अब तक खेले गए सभी मुकाबलों में बाजी मारकर फाइनल में जगह बनाई है। मतलब कि दोनों टीमों के लिए यह फाइनल मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों टीमों में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती हैं।
फाइनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिला, जहां रोहित और सूर्य कुमार यादव ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता। वहीं कुलदीप अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को कभी न भूलने वाली जीत दिलाई। इस मुकाबले को देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत लगभग एक महीने से इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको बता दें T20 विश्व कप के चैंपियन की भविष्यवाणी अभी से शुरू होनी हो गई है। हर कोई अपनी फेवरेट टीम को चैंपियन बता रहा है। वहीं टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी फाइनल मैच से पहले भविष्यवाणी की है और उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में एक ऐसी टीम को विजेता बताया जैसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको सानिया मिर्जा की वह भविष्यवाणी और बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने चैंपियन का जिक्र किया है। सानिया ने मिर्जा ने भविष्यवाणी करते हुए बयान देते हुए कहा कि मुझे इस वर्ल्ड कप में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें बेहद मजबूत हैं। हर मैच में इन दोनों टीमों ने पलटवार कर दिखाया, लेकिन मुझे लगता है टीम इंडिया को इस बार हरा पाना फाइनल में अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अफ्रीका की टीम भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उनके गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, हर बल्लेबाज मैदान पर रन बना रहे हैं, इसलिए मुझे तो कहीं ना कहीं भारत इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन नजर आ रहा है। रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वहीं कुलदीप और अक्षर पटेल भी घातक गेंदबाजी दिखा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि रोहित इस बार जरूर इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाएंगे। मैं हमेशा इंडिया को सपोर्ट करती रहूंगी। बेस्ट टॉप लक रोहित। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल मैच को लेकर सानिया मिर्जा ने भविष्यवाणी करते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत को जीत दिला पाएंगे? नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों बाएं ऊंट पहाड़ के नीचे, जी हां, इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचते अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भी करने लगे टीम इंडिया की तारीफ। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहां तक कि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने भी भारत का प्रदर्शन देखकर तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो आखिर कैसे वर्षों बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत के लिए दिया दिल जीत लेने वाला बयान? कैसे भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में बनाई जगह? भारत के लिए क्या कुछ इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर केवल अपना बदला ही नहीं पूरा किया, बल्कि शान से फाइनल में जगह पक्की कर ली और अब चैंपियन बनने से केवल एक कदम दूर है। जी हां, आपको बता दें दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच गुयाना के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर इंग्लैंड के सामने 171 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। भारत की तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान रोहित शर्मा ने 39 गेंद पर 57 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत तो शानदार हुई। बटलर और सॉल्ट कुछ अलग इरादे से मैदान में उतरे थे, लेकिन रोहित शर्मा का भी इरादा कुछ और ही था। तेज गेंदबाजों की पिटाई होने के बाद रोहित ने गेंदबाजों में बदलाव करते हुए गेंद स्पिनरों को थमाई। पहले अक्षर पटेल और फिर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी में इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ियों को फंसा लिया और एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता दिखाना शुरू किया। आपको बता दें इंग्लैंड की पूरी टीम 103 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मैच में आया रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का शानदार तूफान। भारतीय टीम को मिली दोनों के दम पर शानदार जीत। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने अपने तूफानी प्रदर्शन के जरिए मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसके सामने साउथ अफ्रीका की टीम ने घुटने टेक दिए। तो आखिरकार कैसे फाइनल मैच में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेलते हुए साउथ अफ्रीका को हराया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच आज बारबाडोस के मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रिसा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉका, इस बीच गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को बुलाया गया, जिनके सामने रिजा हेंड्रिक्स ने पहले गेंद पर 2 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो दूसरी तरफ से क्विंटन डिकॉक ने भी इसी तरीके से चौका लगाकर अपना खाता खोला। हालांकि दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करने के साथ टीम को आगे ले जाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को दोहरी सफलता दिला दी। इस बीच जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहले क्विंटन डिकॉक को 5 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान एडन मार्करम मैदान पर आए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रिजा हेंड्रिक्स को इसी ओवर के अंदर मात्र 4 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासेन को बुलाया गया।